हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो ईयरली जो फर्स्ट ईयर का कॉलेज एडमिशन फॉर्म होता है वो आ चुका है। उसके बारे में ही मैं आप लोगों को इसमें बात करने वाला हूँ। BA, BSc, BCom, BCA, BBA जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन कोर्स में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों का एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। पूरी जानकारी यहां से आप लोग देख लेंगे, पूरे लास्ट तक देख लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम जो कॉलेज खुला हुआ है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुला है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, तो ये पूरी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या दी गई है, कितना दिन दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, प्रवेश के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए इस बार क्या नया प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या आप लोग का परसेंटेज बेस पे होगा या फिर आप जिन कॉलेज में अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लोग को कितने कॉलेज चुनने का मौका दिया जाएगा। आप पहले आप लोग को किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप लोगों का कुछ चेंजेस किया गया है, पूरी बातें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चैनल को अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म से लेकर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में ले जाके जमा करते हैं, कितना किस कॉलेज में कितने फीस लगेंगे, पूरी बातें पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं कि जो हमारा कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है कब से कब स्टार्ट होगा, कौन कौन से कोर्स में स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक मैं पेपर का कटआउट लेके आया हूँ। कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश कल से शुरू होगा। कल से मतलब 1 जून 2023 से आप लोगों का कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि जो ऑनलाइन एडमिशन है वो 1 जून से चालू हो रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्स के होंगे, जैसे कि प्रथम वर्ष की कक्षाओं जैसे BA, BCom, BCA, BCA, BSc, BLLB, BBA, DCA आदि में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून से ओपन होगा, और 1 जून से 15 जून तक आप लोगों का 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक के ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। इस बार आप लोगों को ये सुविधा दी गई है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरिट के, आपके ट्वेल्थ के मेरिट के आधार पर आप लोगों को प्रवेश मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हैं उसको फर्स्ट में डालें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 5 कॉलेज आप लोग चुन सकते हैं। आपका मेरिट बेस पे आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो ट्वेल्थ के बाद रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं, वो 1 जून से 15 जून तक दुर्ग विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जल्द ही आप लोग को 1-2 दिन में जो अप्लाई करने का प्रोसेस है अपने मोबाइल से और प्रिंट करने तक का पूरी जानकारी दे दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 5 महाविद्यालयों को चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप लोग अगर अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट होने चाहिए, ये भी साफ साफ लिखा हो गया है। अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में आइकन को क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे, मतलब 2 आइकन होगा, एक इंग्लिश मीडियम का और एक हिंदी मीडियम का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को मूल अंक सूची तथा उसकी फोटोकॉपी, स्थानांतर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा CBSE तथा ICSE के विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सभी जो डॉक्यूमेंट है इसको बनवा लेना है। आपका मेरिट प्रक्रिया के अनुसार आपको प्रवेश मिलेगा कॉलेज में। 5 कॉलेज आप चुन सकते हैं, जो भी आप चुनना चाहते हैं, ठीक है। आगे का जो ऑनलाइन अपडेट का ऑनलाइन प्रोसेस है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।